आपको पता नहीं था क्या किया है? मुझे नहीं समझ में आ रहा, प्लीज बंद करें ये वीडियो, तो बंद करो अपनी। मैं नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन पता नहीं फर्स्ट टाइम हुआ ये। वेलकम टू आवर सेकंड व्लॉग। आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे कि आज ये व्लॉग कहाँ पे शुरू हो रहा है, ऑफिस में तो नहीं है जनाब। वी आर हेयर एट स्पार्क, आई एम हेयर एट स्पार्कल इंक स्टूडियोज। निम्रा भी यहाँ पर आ रही है, निम्रा ने कुछ सर्विसेज करवानी थी एंड आई थॉट व्हाई नॉट मैं भी साथ चलता हूँ और जाके व्लॉग भी शूट कर लूँगा। निम्रा कहाँ पर हैं, तो निम्रा अभी रस्ते में है, वो आ रही हैं, उनको कॉल करके पूछते हैं कि वो कहाँ तक पहुँची हैं। और इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इस वीडियो में निम्रा के साथ होने जा रहा है प्रैंक, जो कि मैं अभी इनके साथ डिस्कस कर रहा था। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और लास्ट टाइम आप लोगों ने बहुत DMs किए, बहुत कमेंट्स किए कि निम्रा के ऊपर प्रैंक होना चाहिए, निम्रा के साथ प्रैंक होना चाहिए। तो जनाब फाइनली द डे हैज़ कम कि जब निम्रा के ऊपर एक बहुत कमाल किस्म का प्रैंक होने वाला है। प्रैंक क्या है वो आपको पता चलेगा वीडियो के अंदर ही पता चलेगा, आपको मैं भी नहीं बता रहा, अभी निम्रा को भी कुछ नहीं पता, अभी मैं बस इनके साथ ये भाई के साथ डिस्कस कर रहा था। पूछते हैं इनसे कि किस तरह से प्रैंक करेंगे निम्रा के साथ और कोई मसला वसला तो नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई जनाब, ठीक ठाक हैं? ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि क्या सर्विसेज करवाएंगे निम्रा आपसे और कैसे प्रैंक करेंगे हम उनके ऊपर? सो हमने करनी है निम्रा की आईलैश लिफ्ट और उसकी के दौरान हम उनको प्रैंक करेंगे छोटा सा। आईलैश लिफ्ट वो जो मुझे जैसे अच्छा अच्छा वो करेंगे, हम पल के ऊपर करेंगे उसकी और फिर बीच में से हम उनको थोड़ा प्रैंक करेंगे। कुछ गलत हो गया है, कोई फोन शोन वाला भी कोई सीन होगा, कलर वगैरह लगा के। निम्रा अभी मैं उनको लेके आता हूँ और निम्रा को देखते हैं कहाँ पर हैं ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक ठाक, ब्लॉग चल रहा है। मुझे पता है। आप इतना अनकम्फर्टेबल क्यों हो रही हैं? यार ये देखें ऐसे होता है कि जब ऑफिस से सारे दिन की शिफ्ट करके आते हैं थके हारे, स्क्रीन अच्छी आ रही है आपकी, आप चले जाइए अंदर। चले जी अब इनका प्रोसीजर कर रहे हैं स्टार्ट क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया, वापस भी जाना है हमें। सर नहीं, बुलेटिन मेरा नहीं है। मैं अभी आपके यहाँ से पहले ये बता रहा था सबको कि आप शिफ्ट से आ रही हैं लेकिन आप लग नहीं रही शिफ्ट में, बुलिए के अंदर ऑफिस ही आ रही हैं, शिफ्ट आएंगे लेकिन आपकी शक्ल से लगा था कि आप कितनी एग्जॉस्टेड हैं। भाई जान ये आपने क्या लगा दिया कि कबर में लिटाने लगे हैं? प्रोसेस शुरू हो गया है इनका और डर को बेचारी डर रही है। चलें जी देखते हैं, इसके बाद आपको आफ्टर रिजल्ट्स भी दिखाएंगे इनके और लेट्स सी हाउ इट गोज। अब हम ना एक पैच करेंगे टेस्टिंग इंक पर कि इस पे कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं होता। तो अगर आप कोई तो ये आप पॉसिबिलिटी है लेकिन बहुत सेंसिटिव स्किन हो ना तब होता है। इनकी तो सेंसिटिव स्किन नहीं है वैसे, मेरी है। ये आप क्या केमिकल लगा रहे हैं? हाँ जी पैचिंग का आपने कहा है। हाँ जी पैच होता है, पैच होता है, अगर इनको फिर एक्शन हुआ तो फिर हम नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा ओह शिट क्या हुआ तो ब्लड आ रहा है। ब्लड आ रहा है? जी जी ये इनकी स्किन सेंसिटिव थी। दिखाएं ब्लड नहीं निकल रहा है? आपकी स्किन का इशू है ना, आपकी स्किन सेंसिटिव है मेरे ख्याल से। आप लेट जाए ना, आपके सर के ब्लड और निकलेगा, वो जिस तरह कह रहे हैं उसकी सुन ले। इंजेक्शन लगाना पड़ेगा उसकी वजह से ना ब्लड थोड़ा सा स्टे कर जाएगा। कहाँ इंजेक्शन लगाना है? ये आईब्रो के ऊपर लगाना पड़ेगा। नहीं तो आपने एनेस्थीसिया लगा आप लेंगे यार, वो एनेस्थीसिया लगाना चाहिए था ना आपको, आप भी आपको पता नहीं था क्या किया? मुझे नहीं समझ में आ रहा, प्लीज बंद करें ये। ओ हाथ में लगाए ना लेकिन आप भी ऊपर बहुत निकली जा रहा है ब्लड। आपको कुछ फील, आपको दर्द हो रही है? मुझे बर्निंग हो रही है। आपने क्या यार यार उस पे शुड हैव टोल्ड मी बिफोर यार, आपने ये करना था पहले बुला के तो आप ना करते। नहीं ऐसा नहीं होता लेकिन पता नहीं फर्स्ट टाइम हुआ ये। अब बंद हो गया आपको बर्निंग? यार लेट हिम ट्रीट ना निम्रा, आप आ रहे हैं वो रुक नहीं रहा, आप जिस तरह वो कह रहे हैं उस तरह उसकी सुन लेंगे आप।
भाई आपने जो भी किया इसको प्लीज काइंडली ठीक करें। इंजेक्शन मत लगाएं मुझे कोई, मैं खुद ही डॉक्टर पे जाती हूँ। मैं कर लेता हूँ ट्रीटमेंट ऑफ इंजेक्शन। नहीं इंजेक्शन, आप लगा लें इंजेक्शन। आप तो चुप करें यार। मैंने नहीं लगवाना इंजेक्शन। नहीं सिर्फ ब्लड जो होता है वो ठीक हो जाएगा, फिर यहाँ तो काफी ज्यादा होता है। देखें मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, कुछ भी नहीं लगवाना। आप परेशान हो रही हैं, इजी हो जाए प्लीज, प्लीज इजी हो जाए। वीडियो तो बंद करो अपनी। मैं अब ये रिकॉर्ड करूंगा ताकि बाद में पता चले कि उन्होंने क्या किया है। तो जो मेरे साथ तमाशा हो रहा उसका यार मुझे नहीं पता था ना कि क्या सीन है। कम हुआ वैसे ना, इसका एक बार सीरम होता है वो लगाता हूं मैं ना। ये यू गॉट प्रैंक। मैंने नहीं कराना, मैंने नहीं कराना, मैंने नहीं कराना। दो मिनट में कैंकर की रू आ गई थी इनके अंदर। आप बाकी परेशान हो गई थी। जाहिर बात है मुझे फीलिंग होनी शुरू हो गई, बर्निंग कसम से पहली अटेम्प्ट बर्निंग शुरू हो गई थी। आपने क्या लगाया था भाई? आपको बर्निंग हो रही थी ये जनाब आपका आपके आने से पहले मैं सबको व्लॉग में बता चुका था कि आज आपके साथ प्रैंक होना है। हाँ जी, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत लोगों ने कहा था, लास्ट टाइम बहुत लोगों ने कहा था कि निम्रा के साथ प्रैंक करें, सो आई थॉट व्हाई नॉट, क्यों ना आप पे प्रैंक किया जाए। मैं आपके आने से पहले सबको बता चुका था। वो नजर आ रहा था आपके रिएक्शन, जो आपने अपनी असल आपने अपना रूप दिखाया था। नहीं नहीं, आपका कसूर नहीं, आपका पेशा ही है। टेप मशीन पे लगा दिए इनके चेहरे पर और ये बड़ी मुश्किल से मुझे व्लॉग करने दे रही है कि नहीं मेरी स्क्रीन खराब आ रही है। इससे ये होता है कि आप कर्ल जो करते हैं ना, आईलैश कर्ल करते हैं, वो 3 महीने तक आपको करना नहीं पड़ेगा। अच्छा 3 मंथ्स तक रहेगा ये, नाइस। यार भाई ये कुछ ऐसा करें कि ऐसी लगे। लेकिन आपको नजर आ रहा है? सब नजर आ रहा है। आपको कैसे नजर आ रहा है? फिरौन के दौर में जो मम्मी करती थी उनको ऐसे मसाला मसाला लगा के ना ऐसे मम्मीफाई करते थे, आपको भी मम्मीफाई कर रहे हैं हम। मैंने चलिए पट्टियां छट्टियां लपेटना शुरू करें ना इनको। 2000 years later. तो जनाब इनकी पट्टियां छट्टियां उतर गई हैं और वैसे रिजल्ट तो बहुत कमाल है। मुझे यहाँ से ऐसे ऐसे आपके आईलैशेस जाती नजर आ रही। डन? यप डन जी। चले उठे कि अपने रिजल्ट देखें, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक सेकेंड, ये अपने स्क्रीन के बारे में बहुत कॉन्शियस है तो वाह जी वाह, नाइस। वैसे मैं अब काफी क्लियर चेंजेस है मुझे भी फील हो रहा था। आपने बताया कि आपके पास चर्च्स भी हैं तो अच्छा आप फ्री नहीं हो गई ज्यादा कुछ? मेरे पास चर्च्स हैं भाई जान, जो भी आपके पास है वो निकाल के इनको दिखा दें। ओए होए होए होए, ये इन्होंने पूरा ड्रायर बॉक्स खोल दिया है। चलें जी गेट टू वर्क। कौन-कौन से आपके पास ये होते हैं? हम इस नीडल से करते हैं पियर्सिंग्स सारी। सो हमारे पास अब ये बेली पियर्सिंग भी है और नोज पियर्सिंग। क्या 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 है आपके पास? बेली पियर्सिंग। बेली पियर्सिंग वो कहां पे करते हैं? बेली पे, जहां पे अपने हाथ लगाया। बेली पियर्सिंग है, ऐसे आप करवाते हैं लोग? कान की बॉडी पे कहीं भी करवा सकते हैं आप? तो लोग करवाते हैं आपसे? हां करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास टेम्पेरी कट। हां यार वो जो मैंने अभी एक चीज लगवाया, इट लुक्स सो कूल। परफाइज ये भी हम करवा सकते हैं लड़कियों के लिए। wow. काफी ज्यादा डिजाइन्स हैं। फिर उसके बाद सब प्रीवली टैटूज हैं, ग्लिटर वाले टैटूज भी हैं जो कि नाइस। यार आपके पास सब कुछ है जी। मैंने इसका देखा भाई और मैंने ये सुना कि ये वाला करवाते हैं ना, इधर कोई वेजल होती है तो अगर वो उसमें अगर कोई होल वगैरह हो जाए तो आपकी डेथ हो सकती है। करें यार इनका, करें करें यार करें। अब क्या होने लगा यार? क्या होने लगा? अच्छा जी पैंक कौन से वाले दिखाए जरा मुझे, क्या क्या लगाने लगे हैं आप इनको? ये दिखाइएगा, ये यूज़ कर रहे हैं। तो ये जनाब ये इनमें से अब इनको कौन सा पसंद आया आपको? पेंगुइन्स। डिफरेंस नहीं वैसे कोई रह जाएगा फिर आप स्टार्ट में रहो। आप में जाना है आज के लिए जाना, दिखाएं। ओह क्यूट नाइस। तो अभी भी बोले ब्लॉग के अंदर भी तो बोलना ही है, बोलना ही तो काम है। पैसे लेती हैं आप इतनी इतनी बोरियां, पैसे किस लिए उठाती?
बोरियां कहाँ है मुझे भी दिखा दो बोरियां जिसकी आपने कमेटियां डाली Very nice, cute. सही है जी और कुछ कराना है आपने हो गया सारा आपका कमाल पढ़वानी है वो मुझे जो हालात ना सुबह ऑफिस जाके पढ़ जाएंगे उसके लिए कोई बंदा मिल सकता है माफ यार बड़ी अफसोस की बात है यार वैसे मार ले मुझे उस्तादों की मार खाने से बंदा बड़ा ही होता है यार लोगों ने हमें इतना प्यार दिया हमारे पहले ब्लॉग में तहे दिल से उनका बेहद मशहूर थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया इतने थोड़े से टाइम पे आपने यूट्यूब पे हमें इतना व्यूज दिए इतने कमेंट्स दिए माशाल्लाह माशाल्लाह तो ये सब कुछ आपका प्यार है आप लोगों की वजह से ही हम लोग ये एफर्ट्स कर रहे हैं कसम से इतनी अगर मोटिवेशन ना होती तो हम लोग आज यहाँ पर भी ना होते ये अपने ऑफिस से आई हैं कितने आवर्स की ड्यूटी करके 9-10 आवर्स की ड्यूटी करके 9-5 ड्यूटी करके ये आई हैं भाई आप जरा फ्रंट फ्रेम निकलेंगे हमारे ये बड़ी अच्छी बात कही आप टैटूज परमानेंट टैटूज और वो आप मुझे बता रहे थे आप कुछ सर के ऊपर भी करते हैं हाँ उसके सर के हम बाल बना सकते हैं उनके गंजा होता है ना बाल हाँ छोटे छोटे हम बाल बना सकते हैं एसएमपी कहते हैं उसको माइक्रो पिगमेंटेशन कहते हैं यार आईब्रोज कहते हैं आईब्रोज भी कर सकते हैं और लिप्स का भी करते हैं जिसके अपने लिप्स टेंट करवाने हैं विजिट करना है तो Yes, do come at Sparking Tattoos, which is on DHA Bain Boulevard. DHA Bain Boulevard, Lahore. और यार इनके यहाँ पर ना एक वो मॉल बनवाना है तिल जो होता है क्या है बदतमीजी यहाँ पे उसमें एक्चुअली लिप्स टिंट करवाने हैं उसमें एक्चुअली खून निकल सकता है नहीं नहीं मुझे करवाना ही नहीं है मुझे नहीं पसंद yes. उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा अगर आप लोगों को बुरा लगा तो मैं फिर आप लोगों के सामने इनसे माफ़ कर लेता हूँ आई एम सॉरी कि आपके साथ छोटा सा प्रैंक किया हमने लेकिन दिल पे ना लगाइएगा तहे दिल से मैं आपसे माफ़ करता हूँ और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक जरूर दें कि आप लोग मजीद नेक्स्ट व्लॉग में क्या देखना पसंद करेंगे एंड स्टे ट्यून्ड गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल रिंग भी बेल बटन भी बेल आइकन आई एम ट्राइंग तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा